Hi, this is Mitali. Welcome to eWithHappy.in. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पहले न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है? Now this is question number 5 on page number 128 to 129, ठीक है? आपकी बुक में इन्हीं पेजेस में एक्सरसाइजेस गिवन है. अगर किसी का पेजेस इधर उधर है, कुछ भी नंबर्स अलग है, चेंज है, तो जस्ट चेक फ्रॉम दी क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको सबसे पहले एक बार क्वेश्चन समझाती हूँ. A truck starts from rest and rolls down, tell the story. तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि कोई भी ट्रक है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल. तो एक हिल से नीचे आया गया है, यानी कि जो पाथ कवर किया गया है वो एक हिली एरिया का है. तो साथ साथ अपने एक बार फिगर भी देख लेते हैं, उससे हमें एकदम ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा. तो सपोज हमारा जो ट्रक है वो एक रेस्ट पोजिशन में है, देन ही मूव्स डाउन अ हिल, ठीक है? सो ही हैज कवर्ड द डिस्टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल मूव्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन. तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले ये गिवन है कि रेस्ट से हमारे ट्रक ने स्टार्ट किया चलना, एक हिल के थ्रू वो नीचे आया, रोल्स डाउन अ हिल एंड देन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन. एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ वो मोशन चल रहा है. तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का क्या मतलब हो गया यहाँ पर कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. तो थ्रू आउट द जर्नी जितना भी उसका पाथ रहा है यहाँ पर दे हैव द कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है? So now the next thing which is given in a question is the distance and the time. So distance हमें given है कि यहाँ से कुछ 400 मीटर की दूरी का ही हमारा पूरा पाथ रहा है, ठीक है? मैं आपके लिए यहाँ पे एक एरो से मैंने इंडिकेट कर दिया और प्लस इसके अंदर कवर किया गया है, ठीक है? तो चलो ये भी हमें समझ आ गया. अब हमसे पूछा क्या गया है, we have to find that constant acceleration की वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ पर ये जानना है कि एक्सेलरेशन कितना है, प्लस हमें साथ साथ हमारे ट्रक की मास वैल्यू भी दी गई है, ठीक है? तो हमारे क्वेश्चन में हमें जो ट्रक का वेट गिवन है दैट इज 7 मेट्रिक टन. 7 मेट्रिक, 1 मेट्रिक विल बी इक्वल्स टू 1000 kg. इसी वजह से 7 मेट्रिक के लिए मैंने 7000 kg कर दिया है, ठीक है? सो वी नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन प्लस दी फोर्स अप्लाई. जितनी फोर्स उस पर अप्लाई करी गई है, जितना नीचे चलते हुए उस पर फोर्स लगी है, वो फोर्स भी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है? सो आपको आई होप कि क्वेश्चन का फ्रेमिंग समझ आ गया है कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है. तो आप हम देखते हैं एक बार कि हमारा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर सबसे सुटेबली बैठ सकता है, ठीक है? चलिए अब हमारे पास क्या क्या है. वी हैव b इक्वल्स टू u प्लस 80 वाली इक्वेशन, and then we have s is equals to ut plus half 80 square, and find the third one. जल्दी से मुझे बता दो कि third कौन सी है हमारी. 2as is equals to v square minus u square. तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या क्या हमें given है और क्या निकालना है, तो हम इजी भी find out कर सकते हैं कि कौन सी equation तीनों में से relevant रहेगी, ठीक है? तो आप भी मुझे देख के बताइए कि हमारे पास s है यानी कि डिस्टेंस है, टाइम है, प्लस मुझे एक्सेलरेशन निकालना है. तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से मेरे को क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी डोंट नो, तो ये तो जाएगी, ठीक है? तो सबसे सुटेबल हमारे लिए सेकेंड वाली इक्वेशन है. तो चलिए सेकेंड वाली इक्वेशन से ही मूव करते हैं, ओके? ओके फाइन. सो यहाँ पर व्हाट वी हैव टू डू, s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, ठीक है? तो अब सबसे सारे वैल्यूज को एक एक बार पुट कर देते हैं और हमें सबसे पहले क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन, ठीक है? चलो हमारा जो डिस्टेंस है दैट इज 400 मीटर्स, देन द इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हमारा जो ट्रक है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर हमारा जो यू होगा वो 0 हो जाएगा. हमें 20 सेकेंड गिवन ही है, प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय 8 वी नीड टू फाइंड आउट एंड देन टी का स्क्वायर व्हिच इज 20 × 20, ठीक है? सो यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक बार हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे इट वुड बी 10 एंड दिस विल बी 0. तो अगर मैं कंक्लूड करके लिखूं तो 400 और ये तो 0 है ही, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है. और यहाँ पर हमारे पास कितना बच जाता है, 208. Now we need to find out the acceleration. तो क्या करेंगे acceleration निकालने के लिए, 400 को और क्योंकि 200 इसके साथ multiply में है तो divide में ले जाएंगे and the answer will be
2. So finally जो हमारा acceleration आया है that is 2 meter per second square. ठीक है, तो ठीक है हमने अब acceleration find out कर लिया, आधा question हमारे यहाँ पे हो चुका है. लेकिन हमसे एक और चीज पूछी गई है कि कितना फोर्स उसमें अप्लाई किया जाएगा. ठीक है, सो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, वी नो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन भी फाइंड आउट कर दिया है, प्लस मास हमें गिवन ही है, दैट इज 7000 kg. यहाँ पर हम उसी को पुट करेंगे एंड वी विल गेट 14,000 newton. वाई न्यूटन? बिकॉज हमारी जो फोर्स की एसआई यूनिट है दैट इज न्यूटन. कैसे बनती है? केजी से और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से. ठीक है, तो कितना फोर्स हमारे पास आया? 14,000 newton. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर आपसे दो तीन चीजें फॉर्मूला बेस्ड है, देखो यहाँ पर चेक ये भी हो गया है कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगानी है, और साथ साथ आपसे फोर्स का फॉर्मूले से फोर्स भी पूछ लिया गया है. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है अच्छे मार्क्स में 4 to 5 marks में कैरी किया जाता है, इतने में आता है. तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है अपनी. Stay tuned with us. Up to then, bye.